बच्चों, आज हमारा जो अध्ययन का विषय है यह है भारत की स्थिति। भारत हमारा देश है और हम सब भारत के बहुत सी विशेषताओं से परिचित है। भारत की स्थिति क्या है? यदि हम देखते हैं तो भारत उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, लेकिन यह स्थिति हम समझ रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। भारत की स्थिति के संदर्भ में बहुत सी छोटी बड़ी बातों को भी हमें जानना आवश्यक है। और ये जो छोटी बड़ी बातें हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे भारत की अक्षांशीय स्थिति। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारा जो देश है उसका मुख्य भूभाग भारत भूमि जिसे हम कहते हैं, लेकिन उसके साथ ही कुछ द्वीप समूह, जैसे पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और पश्चिम में लक्षद्वीप है, ये सब भारत का एक हिस्सा है। और इसलिए भारत का मुख्य भूभाग और इन द्वीपों को यदि हम मिला दें तो भारत का विस्तार बहुत अधिक होता है। भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ये भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। अक्षांश और देशांतर की स्थिति को जानना, और भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार में यदि हम भारत को देखें तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत जो है 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक फैला है। इसी प्रकार से इसका जो देशांतरी विस्तार है, यह जो है ये 67 अंश 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक यह फैला हुआ है। बच्चों, आपको यह सुनकर बड़ा अजीब सा लग सकता है कि मैंने यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर कहा है और देशांतरी विस्तार पूर्व से पूर्व कहा है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? यहाँ पर देखिए, मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। हमारा जो देश है, यह ग्लोब में इसकी स्थिति कहाँ है, हमको यहाँ पर यह समझना होगा। ग्लोब में आप देख सकते हैं, इसके बीच में ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक मॉडल है और इसके बीचों बीच एक भूमध्य रेखा खींची हुई है। यह जो भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर का भाग जो है यह उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी 0 अंश से 90 अंश तक उत्तर की जो स्थिति है, इसमें भारत की स्थिति जो है यह 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट तक यह स्थित है। तो ये भारत का उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण हम इसे उत्तर से उत्तर तक पढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम इसको दक्षिण नहीं कहेंगे। दक्षिण में यह कहाँ तक फैला है, तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो 8 अंश 4 मिनट उत्तर से है। उसी प्रकार से मैंने पूर्व से पूर्व तक कहा है। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 0 अंश की मध्यान्ह रेखा है, देशांतर रेखा हम इसे कहते हैं, यह इसको दूसरे नाम से हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में जो स्थित है उसे हम पूर्वी देशांतर कहते हैं, लेकिन ग्रीनविच के पश्चिम में जो क्षेत्र स्थित है वह पश्चिमी देशांतर है। इसकी स्थिति कहाँ तक है? ग्रीनविच के ठीक विपरीत भाग में 180 अंश देशांतर जो है, यहाँ तक 0 से, यानी ग्रीनविच से 180 अंश तक पूर्व और 0 से 180 अंश तक पश्चिम। तो यहाँ पर आपने चार भाग स्पष्ट देख लिए।
उत्तर और दक्षिण, ये विषुवत रेखा के संदर्भ में शून्य से 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण, और ग्रीनविच के संदर्भ में यानी देशांतर के संदर्भ में पूर्व 180 अंश तक और शून्य से 180 अंश तक पश्चिम। अब हमारा देश कहाँ पर स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में, इसलिए हम उत्तर और उत्तर तक पढ़ते हैं। वैसे ही ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है, इसलिए हम इसको पूर्व से पूर्व तक अर्थात 67 अंश 7 मिनट पूर्व से लेकर के यह 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक स्थित है। यानी ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में स्थित है। इस प्रकार से ये जो भारत की स्थिति है, मैंने अभी आपको अक्षांश और देशांतर बताया। हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, इसमें दोनों में ही लगभग 30 अंश का अंतर देखने को मिलता है। लगभग अर्थात भारत का विस्तार 30 अंश में अक्षांश में और 30 अंश देशांतर में फैला हुआ है। बच्चों, कर्क रेखा का नाम आपने सुना होगा। यह कर्क रेखा 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में है और लगभग मध्यवर्ती भारत का जो भाग है, इसके मध्यवर्ती भाग से यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कर्क रेखा गुजरती है। और ये कर्क रेखा के गुजरने के कारण भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, वह जहाँ पर उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, वही इसका उत्तरी हिस्सा जो है वह शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। लेकिन जलवायु के संदर्भ में हम जब देखते हैं तो संपूर्ण क्षेत्र की जलवायु जो है यहाँ भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत की यदि हम लंबाई और चौड़ाई को देखें तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत की जो लंबाई है ये 3,214 किलोमीटर आंकी गई है, और इसकी चौड़ाई गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2,933 किलोमीटर आंकी गई है। तो ये भारत का एक अक्षांशीय विस्तार और लंबाई चौड़ाई की बात हमने की। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और संपूर्ण विश्व का यदि हम क्षेत्रफल देखें तो भारत के अंतर्गत 2.4% आता है। इसके साथ ही यह विश्व का सातवां बड़ा देश है। तो ये छोटी सी जानकारी। अब हम देखेंगे कि भारत में, जैसा मैंने बताया कि उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, ये भारत के मुख्य भाग का क्षेत्र है। कन्याकुमारी इसका दक्षिण का मुख्य भाग का निचला हिस्सा है जो 8.4 अक्षांश पर स्थित है। लेकिन भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है यह अंडमान निकोबार के दक्षिण में स्थित है, और यहाँ पर ये जो अक्षांश है अंडमान निकोबार का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर 6.45 पर यह हिस्सा यहाँ पर स्थित है। और बच्चों आपको पता है इसे जो दक्षिणतम हिस्सा है इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से भारत का जो उत्तरी भाग है, जो उत्तरतम अंतिम बिंदु है सबसे उत्तर का, इसे इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये दोनों नाम एक जैसे, एक इंदिरा कॉल जो उत्तरतम क्षेत्र है और जो दक्षिणतम क्षेत्र है उसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। भारत की ये जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई मैंने बताई कि 3,214 किलोमीटर है, इसी प्रकार से यदि हम पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें अर्थात गुजरात
से यदि हम अरुणाचल के तरफ देखें तो यहाँ पर एक सीधी रेखा यदि खींच दी जाए तो यह 2933 किलोमीटर है। और इसमें जो समय का अंतर यदि हम देखते हैं तो लगभग 2 घंटा समय का अंतर आता है, लेकिन भारत में संपूर्ण क्षेत्र में एक ही समय की गणना की जाती है और इसलिए हम उस समय को मानक समय कहते हैं। बच्चों, आपको पता होगा कि ये जो मानक समय का भारत में जो निर्धारण किया गया है तो भारत में 82.5 अंश की जो देशांतर रेखा है ये हमारी मानक देशांतर रेखा कहलाती है। यामयोत्तर, मानक यामयोत्तर इसे कहते हैं। ये यामयोत्तर 82.5 ही क्यों है? इस संदर्भ में संपूर्ण विश्व के जो आपसी समझौते हैं इस आधार पर लगभग 7.5 अंश के गुणांक में इस स्थिति को निकाला गया है और भारत की यामयोत्तर जो है यह 82.5 अंश निर्धारित की गई है। आइए अब हम देखेंगे कि भारत में एक यामयोत्तर होने के कारण हमारा समय का निर्धारण जो है एक है, और यह जो समय है ये ग्रीनविच मीन टाइम यानी लंदन में जो ग्रीनविच की समय रेखा है जहाँ उसके आधार पर हम लगभग 5.5 घंटे आगे की ओर चलते हैं। तो यह भी एक छोटी सी जानकारी है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत का विस्तार, भारत के उत्तर में हिमालय एक वृहद नवीन वलित मोड़दार पर्वत के रूप में फैला हुआ है। यदि हम उत्तर पश्चिम की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हिंदू कुश और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, उत्तर में पूरा हिमालय का क्षेत्र है और उत्तर पश्चिम में जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं इन पहाड़ियों से हमारा पूरा उत्तरी भाग सुरक्षित है और इस कारण बड़ी आसानी से उत्तर से बहुत सी बातें नहीं आ सकती। कुछ दर्रे अवश्य है, कुछ पास बने हुए हैं जहाँ से थोड़ा सा आसान है आना, लेकिन वैसे उत्तर से दक्षिण की ओर आसान नहीं है और इसी हिमालय के कारण ही हम लोग ध्रुवीय हवाओं से भी सुरक्षा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। भारत में जो दक्षिण का क्षेत्र है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके दक्षिण में स्थित है, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। भारत के आप नक्शे को देख रहे हैं, ऊपर में कश्मीर के पास थोड़ा सकरा है लेकिन उससे कुछ नीचे आने पर यह काफी चौड़ा दिखाई देता है और इसकी चौड़ाई फिर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के पास देख रहे हैं आप, यहाँ पर थोड़ा कम हो रहा है, नीचे में बहुत ही सकरा है। बच्चों, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है कि जैसे हम कहते हैं ना भारत माता, भारत माता यानी एक माता स्वरूप, सिर पर मुकुट, नीचे में महासागर जो हमारी माता के पैर धो रहा है, इतना सुंदर दृश्य यदि हम भारत को देखें तो हम इसको महसूस कर सकते हैं। खैर, ये बात बिल्कुल अलग है, लेकिन मैंने आपको ये भी एक बात बता दी है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इस पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये इसके प्रमुख पड़ोसी देश हैं। और इन देशों में आप देख रहे हैं कि जैसे भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है इसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से जो अफगान की जो सीमा है ये दुरंद सीमा के नाम से हम इसे जानते हैं। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा अपनी सीमा बनाती है। तो ये एक सीमाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इनके कई अलग-अलग नाम यहाँ पर उल्लेखित किए गए हैं। वैसे ही जो हम दक्षिणी
हिस्से में देखें तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, श्रीलंका वहाँ से अलग होता है, और इसको अलग करने वाली एक छोटी सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। ये जो मन्नार की खाड़ी है, इसको पाक जल संधि के माध्यम से भारत और श्रीलंका को अलग, ये अलग होते हैं ये दोनों देश। ये हमारा श्रीलंका जो है दक्षिण का पड़ोसी देश है। तो इस प्रकार से भारत की जो स्थिति है, उसके पड़ोसी देश भी यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिए हैं। बच्चों, आपको पता होगा कि भारत में फ्रांसीसी कॉलोनी का विकास हुआ था। जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने कुछ फ्रांसीसी कॉलोनी बनाई थी, और इसको पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में हिंदी नामकरण हुआ और इसे पुदुचेरी के नाम से जाना गया। ये पुदुचेरी या पांडिचेरी जिसे हम कहते हैं, ये एक कॉलोनी नहीं है, ये भारत में चार कॉलोनी विकसित हुई है। बंगाल की खाड़ी के तटीय भाग में ऐसी तीन कॉलोनी विकसित हुई है, जबकि अरब सागर में एक कॉलोनी विकसित हुई है। ये जो कॉलोनी है बंगाल की खाड़ी में, इसमें सबसे पहले जो पुदुचेरी है, ये चेन्नई के दक्षिण में लगभग 180 किलोमीटर के दूर पर स्थित है, और यहीं पर जो दूसरी कॉलोनी है, इसे हम कहते हैं कारिकाल, ये तमिलनाडु में ही स्थित है, और इसके बाद आंध्र प्रदेश में यानम के नाम से एक कॉलोनी है, जबकि केरल में माहे के नाम से, ये पुदुचेरी की ये चार प्रमुख कॉलोनियां स्थित है। भारत की जो स्थल की सीमा है, हम उत्तर में देखते हैं स्थलीय भाग से, ये मैंने अभी पड़ोसी देश आपको बताया, तो यहाँ पर जो सीमा है ये लगभग 15,200 किलोमीटर ये इसकी सीमा रेखा है, जबकि भारत की जो समुद्री सीमा है, इस समुद्री सीमा में यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला दिया जाए, या लक्षद्वीप को भी हम मिला देते हैं, तो इसकी जो सीमा है ये लगभग 7,516.6 किलोमीटर के लगभग है। तो ये भारत की कुछ प्रमुख सीमाएं हैं। इसके भारत का जो तट है, इन तटों में यदि हम पश्चिम से दक्षिण की ओर आते और पूर्व की तरफ यदि हम क्रमशः जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये भारत की तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। ये भारत के मुख्य भाग की सीमाओं का मैंने उल्लेख किया है। ये भारत की प्रमुख बातें हैं उसके स्थिति और विस्तार के संबंध में। कुछ और बातें हम बताएं तो भारत में, जैसे मैंने बताया कि पूर्व से पश्चिम में 2 घंटे के समय का अंतर देखने को मिलता है, उसी प्रकार से अक्षांशीय विस्तार में यदि हम दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते चले जाएं, तो भारत में दिन और रात के समय में अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसका कारण अक्षांशीय विस्तार है। भारत न केवल अपनी स्थिति के लिए, बल्कि यदि हम एशिया की दृष्टि से देखें, तो भारत एशिया का मध्य दक्षिणी हिस्सा है, और यह प्रारंभ से ही यातायात और व्यापार का एक बड़ा केंद्र रहा है। भारत से अनेक बातें विदेशों को गई है। एशियाई व्यापार तो प्रारंभ से ही रहा है, अन्य देशों से भी इसके व्यापार संबंध बने हुए हैं, और इसी कारण सन 1869 में जब स्वेज नहर का निर्माण हुआ था, तो भारत से यूरोपीय देशों की जो दूरी है लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई है।
भारत में जैसा अभी मैंने बताया कि व्यापार वाणिज्य का एक बड़ा केंद्र रहा है और एशियाई देशों से इसके अद्भुत संपर्क प्रारंभ से ही रहे हैं। भारत ने अपने क्षेत्र से वेद, उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र और गणित में अंक या दशमलव जैसे उल्लेखित जो आविष्कार हैं, इन सब को इन्होंने एशियाई देशों को या अन्य देशों को प्रदान किया है। उसी प्रकार से भारत में मसाले, मलमल के कपड़े और कई प्रकार के सामान जो है ये विदेशों को जाते रहे हैं। लेकिन भारत में भी जैसे यूनानी स्थापत्य कला हमें परिलक्षित होती है, एशिया का जो वास्तुकला है ये भी भारत में हमको देखने को मिलती है। इसी प्रकार से भारत में मीनार, गुंबद, ये सब विदेशों से आई है लेकिन भारत की एक संस्कृति बन चुकी है। तो ये भारत के बारे में ये कुछ छोटी सी जानकारी। भारत में जो निवासी है ये हम इसको भारतीय कहते हैं, लेकिन बच्चों आप क्या जानते हैं कि भारत के जो निवासी है ये यदि हम पुरानी मानव प्रजातियों का उल्लेख करें तो भारत में ये जो प्रजाति है जिसमें ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, मंगोलाइड प्रजाति या यूरोपाइड प्रजाति है, कोकोसिन की प्रजाति है या नेग्राइड की प्रजाति है, इन सभी प्रजातियों के प्रतिनिधित्व जो जनसंख्या है आज भारत में देखने को मिलती है। इसी प्रकार से भारत में वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित राज्य भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। भारत संसाधनों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो पाए जाने वाले संसाधन हैं, इसमें कोयला, लोहा, मैंगनीज, माइका, पेट्रोलियम इत्यादि जो खनिज है ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं और कई खनिज अलग अलग तरीके से विश्व में इसकी मांग है और यहाँ से ये विदेशों में जाते हैं और कई बाहर की चीज़ें भारत में आती रहती है। तो बच्चों, भारत की स्थिति के लिए इतना पर्याप्त।